बिलासपुर जिला के कसोल गांव के रहने वाले विचित्र सिंह ने प्रदेश सरकार की प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान के सपने को साकार करने का काम किया है। एक निजी स्कूल में अध्यापक पद पर कार्यरत विचित्र सिंह ने प्राकृतिक खेती को अपनाकर न केवल जहर मुक्त खेती को बढ़ावा दिया है बल्कि कई किसानों को शुल्क बजट खेती के लिए जागरूक भी किया है। वहीं विचित्र सिंह ने प्राकृतिक खेती के माध्यम से केवल सब्जियां ही नहीं उगाई बल्कि हर्बल के क्षेत्र में भी काम करना शुरू कर दिया है। मैं विचित्र जी की बहुत मतलब वो करता हूँ कि इन्होंने जो है ना पहल करके जो है गांव के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है और इस हम जो है 25 से 30 जो किसान हैं इनके साथ जुड़े हुए हैं और इस खेती से जो है मतलब स्वास्थ्य के ऊपर जो है बहुत अच्छा असर पड़ रहा है। जो कि हम दवाइयाँ दे रहे थे उनसे जो है जीवामृत और जो भी ये मतलब इनकी जो खादें बना रहे हैं इनसे बहुत ही अच्छा और नतीजे जो हैं बहुत ही अच्छे आ रहे हैं और खेती जो है बिना खाद से जो है अच्छी है और खाद की और इसको कंपेयर करें तो दोनों खेतियों में एक खेती जो है बहुत ही अच्छी चल रही है। हमारे गांव में विजेंद्र सिंह 0 लागत प्राकृतिक खेती के लिए पहले किसान हैं जिन्होंने इस चीज़ को बढ़ावा दिया है और हम भी इसी मतलब इसमें 0 लागत प्राकृतिक खेती के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत से किसान हैं। हमारा 25 मतलब किसानों का समूह है जो कि इस कार्य में जो है सभी लगन से काम कर रहे हैं और जहर मुक्त खेती करने के बजाय 0 लागत खेती अच्छी है और इसके रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं। पिछले वर्ष सितंबर मास में मैंने झांसी में जब 0 लागत प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण लिया उसमें तो मुझे लगा कि ये प्राकृतिक खेती नहीं ये परमात्मा खेती मुझे मिल गई। जहाँ पर मुझे उस खेती में अधिक गोबर लगाना पड़ता था अधिक मेहनत करना पड़ती थी इसमें तो केवल एक देसी गाय के गोबर से ही मुझे ये जो 1 एकड़ ये जितनी भी जमीन बताई गई है उसके लिहाज से तो ये बिल्कुल मुझे 0 के बराबर ही है। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश हो या देश हो या चाहे विदेश तक ये बात जाए कि प्राकृतिक खेती क्या है। जिस प्राकृतिक खेती से एक तो हमारे हॉस्पिटलों की बीमारियों की कमी आएगी हॉस्पिटलों की भीड़ कम रहेगी जिससे क्या होगा कि हमारे जो स्वस्थ मनुष्य है स्वस्थ व्यक्ति है तो स्वस्थ व्यक्ति ही समाज को उन्नत कर सकता है। समाज की उन्नति के लिए व्यक्ति का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। मैंने अपने खेतों में सूरजमुखी लगाया है मक्की लगाई है भिंडी है टमाटर है और हर्बल साइड से हमारा अश्वगंधा है कालमेघ है तुलसी है इस प्रकार से मैंने अरकरा और अनेक सहजन अपने जितने भी हमारे ये खेती है उसमें हर प्रकार के सोयाबीन है मिश्रित खेती के लिए मैंने सोयाबीन लगाई हुई है अरबी है। एनस्टा न्यूज़ के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्वाल की रिपोर्ट।